हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने 21 डेज के चैलेंज को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज मेरा 21 डेज चैलेंज का डे 7 है। आज 22 जनवरी बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। बच्चों की तो छुट्टी है आज और बाकी लोगों का हाफ डे है, तो इसीलिए अभी मैं जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करूँगी और फिर मैं थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है, इस टाइम मैं DSSSB TGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैथमेटिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है और जो पार्ट ए होता है वो सभी के लिए कॉमन ही होता है, सब में सेम पैटर्न आता है, सेम सब्जेक्ट्स आते हैं। तो पार्ट ए की प्रिपरेशन आपकी और मेरी बिल्कुल सेम रहने वाली है, लेकिन पार्ट बी में जो जिसका सब्जेक्ट होगा उसी के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो मैं कर रही हूँ DSSSB TGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर। और आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि पेपर ए के लिए मैं कौन सी बुक को फॉलो कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स पेपर ए में आपको पता है टोटल 5 पार्ट्स हमारे पास आते हैं, 5 सेक्शंस आते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, अर्थमेटिक्स और एक हमारे पास GS का पोर्शन होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक को फॉलो करके इस पूरे सिलेबस को कैसे भी कवर नहीं कर सकते हैं। इवन आप एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस भी एक बुक से कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक के भरोसे मत रहिए पार्ट ए को करने के लिए, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके पेपर को क्वालिफाई करने में। अगर आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मैं पार्ट बी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो फ्रेंड देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ्स के पेपर को पूरा सोल्व करने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मैथ्स के 100 के 100 क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट कर सके, जो हमारे पास गिवन टाइम होता है उसके अंदर अंदर। तो इसीलिए वहाँ से हम मैक्सिमम स्कोर कितना ही कर सकते हैं वो आप खुद से सोच सकते हैं। हाँ, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। पार्ट ए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जब हमारे पास जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पार्ट बी है वो पूरा का पूरा सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो अपना जो मैक्सिमम स्कोर है वो पार्ट ए में कर सकते हैं। पार्ट ए में आपको पता है हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो उन दोनों को आप मिनिमम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। GS को आप मिनिमम टाइम में सोल्व कर सकते हैं, और उसके बाद जो दो बचते हैं रीजनिंग और अर्थमेटिक्स, उनमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए आपको पार्ट ए के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप यहाँ से एक्यूरेसी भी मेंटेन कर सकें और अपना टाइम भी सेव कर सकें। और जितना भी आप यहाँ से टाइम सेव करेंगे उतना ही वो टाइम आप अपने पार्ट बी के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं हो रहा है, मान लीजिए अर्थमेटिक्स में एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो हम दोबारा उसी पर टाइम वेस्ट करें, सेकेंड टाइम में भी हमारा मान लो उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो अच्छा यही होगा कि उस टाइम पे हम उस क्वेश्चन को स्किप कर दें और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाए। क्योंकि अगर हम उसी एक क्वेश्चन में अपने 5 से 10 मिनट वेस्ट कर देंगे तो वो हमें बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको अभी से उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लूँगा, तो मैथ्स के लिए ये सब पॉसिबल नहीं होता है। मैथ्स के लिए आपको स्टार्टिंग से ही अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, और जब आप मल्टीपल टाइम्स अपनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिल दिमाग में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे जब वो एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो में से कोई भी बात आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चाहें तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सेम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।